बिग बॉस 15 के काफी दूसरे कंटेस्टेंट्स की तरह तेजस्वी और करण के बीच भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागना शुरू हो चुकी है। जहां कल के एपिसोड में हमने देखा कि करण और प्रतीक के बीच काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद दूसरे दिन सुबह तक दोनों एक दूसरे से नाराज चल रहे थे, वहीं तेजस्वी आके करण को दिलासा देती है और समझाती है कि तू अपनी लाइफ में दूसरों को इतना इम्पोर्टेंस मत दे। अगर प्रतीक जैसा बंदा तुझे इतना इफेक्ट करता है, मतलब तूने उसे अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस दिया होगा। करण भी कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी कभी फटता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ। जिसपे तेजस्वी कहती है कि ये बात सिर्फ मेरे से की है, सबसे मत किया कर। फिर करण भी अग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी वीकनेस सबको थोड़ी बताऊंगा। तेजस्वी भी हामी भरते हुए कहती है कि ये शो पूरा रिलेशनशिप्स के बारे में है, लेकिन हम अपनी रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ाए जब तू ही ठीक नहीं है। अब से मैं तेरे साथ ज्यादा रहा करूंगी और तुझ पे नजर भी रखूंगी, सिर्फ तेरे गुस्से के लिए नहीं, बाकी हर एक चीज में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी ऐसी ही हूँ। सुबह ये सारी बातें होने के बाद जब मुख्य घर में करण अपनी बर्तन धोने की ड्यूटी निभा रहे थे, तब भी तेजस्वी वहाँ बार बार करण के पास जाके बातें कर रही थी और करण से पूछ रही थी कि प्रतीक के साथ सब सॉर्ट आउट करने के बाद अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जी हाँ व्यूअर्स, तेजस्वी से बात करने के बाद ही करण ने प्रतीक के साथ सब सॉर्ट आउट करके गिले शिकवे दूर किए थे। तो व्यूअर्स, क्या कहेंगे आप करण और तेजस्वी के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में, और क्या ये रियल है या फिर शो के लिए? प्लीज कमेंट योर व्यूज।